नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रजाक और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक ओवरव्यू वीडियो होने वाला है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप में से काफी लोग होंगे जो आपका खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर ऐसे भी लोग होंगे जो अपने 9 to 5 जॉब से उब गए हैं, या फिर ऐसे भी जो अपने 9 to 5 जॉब के साथ कोई एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं अपने साइड इनकम के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे एक उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपको लेने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिसाइड ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक पर्टिकुलर नीश पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिफ्ट शॉप ओपन करना चाहते हैं तो वहां पर आप गिफ्ट और रिलेटेड आइटम्स रखेंगे, ना कि मेडिसिन। यही लागू होता है ऑनलाइन बिजनेसेस में भी। ऑनलाइन बिजनेस में आप कोई पर्टिकुलर गुड या सर्विस दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या होगा। अगर वो गुड्स है तो गुड्स में क्या होगा, सर्विस है तो कौन सी सर्विस होगी, और किस तरह से आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू दे सकते हैं, और वैल्यू देने के बाद आपको कितने परसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। शुरू शुरू में आपको एक ओवरव्यू बनाना होगा, एक ड्राफ्ट बनाना होगा, जिससे आप ये एक्सप्लेन कर सके कि आप सेल्स या फिर कस्टमर्स लीड्स कैसे जनरेट करेंगे। और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को कितना टाइम लगेगा फुल फ्लेजेडली ग्रो करने के लिए। यहाँ पर मेरा एक सजेशन होगा कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका एक मार्केट रिसर्च कीजिए। इससे आपको ये आइडिया आएगा कि आपके नीश में आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड और कौन से स्टार्टअप्स है, और कौन से बिजनेसेस है, और उन बिजनेसेस का मॉडल क्या है, उनका अर्निंग मेथड्स क्या है। इससे आप अपने बिजनेस में एक इनोवेटिव तरीके से कस्टमर्स को वैल्यू दे सकते हैं और हायर प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। स्टेप 2, हैव योर बिजनेस प्लान रेडी। ये पर्टिकुलर स्टेप जो है ये दो फ्रंट्स पे काम करेगा। पहला, अगर आपका बिजनेस प्लान डिटेल में रेडी है तो आप खुद चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस रन कर रहा है एंड इन द प्रोसेस अगर कोई एरर्स आते हैं, कोई अनसीन इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप बिफोर हैंड रेडी होंगे उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। और दूसरा, कि ये डिटेल प्लान आपकी मदद कर सकता है एंजल इन्वेस्टर्स और बैंक से लोन उठाने के लिए। जब आप कोई भी बिजनेस प्लान रेडी करते हैं, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके डिटेल में लिखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कैसे लीड जनरेट करेंगे, तो ये एक काइंड ऑफ एश्योरिटी देता है आपके इन्वेस्टर्स को कि यहां पर पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है। नंबर 3 आता है, लुकिंग फॉर फंड्स। यहां पर मेरा एक सजेशन होगा कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसे मिनिमम रिस्क के साथ शुरू कीजिए। मिनिमम रिस्क से मेरा मतलब है आप पैसे फैमिलीज और फ्रेंड्स से उठाइए, पर्टिकुलरली फैमिलीज से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई हैव सीन सच पीपल जिन्होंने बिजनेस पूरा पैशन के साथ, फुल फोर्स के साथ शुरू किया और उसके साथ साथ बहुत हेफ्टी अमाउंट का लोन भी लिया। पर आपको पता है कि शुरुआत में बिजनेस किक ऑफ करने के लिए काफी टाइम लगता है, एटलीस्ट 2 साल तो जाते हैं, और उस पीरियड में काफी बिजनेसेस, नए बिजनेसेस बंद भी होते हैं, और ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में लोन का पैसा भरना काफी बर्डनसम भी हो जाता है। इसलिए इट्स बेटर कि आप शुरुआत करें मिनिमम या फिर नो इन्वेस्टमेंट से। आप बिजनेस ऐसे ढूंढे जहां पर आपको काफी कम पैसा लगाना पड़े या फिर बिल्कुल लगाना ही ना पड़े, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री होता है काफी बार। और फिर जब आपको लगे कि आपका बिजनेस एक ट्रैक पे जा रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया आपको, तब आप बैंक से और अन्य इन्वेस्टर्स से आप फंड्स उठा सकते हैं। ऑल्सो इनिशियली जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब मेरा सजेशन होगा कि आप कस्टमर्स को सिर्फ बेसिक चीजें ही दीजिए। एंड अगेन, वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस, तब आप डायनामिक होके और भी अदर फीचर्स या फिर अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकते हैं। यहां पर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको अमेजोन का। अमेजोन ने जब शुरुआत की थी तब वो सिर्फ बुक्स का डिलीवरी करते थे, और आज देखिए वो कुछ भी डिलीवर कर देते हैं। चौथा स्टेप होगा, मेकिंग अ गुड ऑनलाइन प्रेजेंस। आज के टाइम पे एक अच्छी डिजिटल प्रेजेंस होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों को कोई शर्ट भी लेनी है तो भी वो पहले गूगल सर्च करते हैं, उनको पता है कि वो शॉप से जाके ही शर्ट लेने वाले हैं, पर फिर भी प्राइस और अवेलेबिलिटी उनको गूगल से जल्दी मालूम पड़ती है। इसलिए ऑनलाइन प्रेजेंस होना, एक अच्छा वेबसाइट होना काफी हेल्पफुल होता है नए बिजनेसेस के लिए। और अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस ही शुरू कर रहे हैं तब एक रोबस्ट और डायनामिक वेबसाइट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आपका जो भी वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली हो, और कॉन्टैक्ट अस का जो डिटेल होता है, कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म होता है, वो विजिबल हो कस्टमर्स से, एस्पेशली अगर ये बिजनेस टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है। एक अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस होने के लिए आपको सोशल मीडिया साइट्स पे भी एक्टिव होना पड़ेगा।
साइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये मूव पर्टिकुलरली B2C मॉडल में काफी काम करता है। और एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, शायद आपको ट्रेडिशनल लगे पर SMS मार्केटिंग भी काफी कारगर है। अकॉर्डिंग टू एक स्टडी, अराउंड 90% ऑफ SMSs आर रेड विदिन 3 मिनट्स जब उनको सेंड किया जाता है, जब वो रिसीव होते हैं लोगों के पास। तो SMS मार्केटिंग से भी आप काफी सारे लीड्स जनरेट कर सकते हैं। पर अगर आपका B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईमेल मार्केटिंग की तरफ ध्यान दें। क्योंकि होता ये है कि ईमेल मार्केटिंग से जो भी दूसरा बिजनेस के पास आप जाना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, उसे आप कस्टम मेड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। उस मैसेज में कस्टम मेड डील्स और ऑफर्स भी आप डाल सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए मैं और एक अगर आपको बात सजेस्ट करूं तो वो है सॉल्विंग क्वेरीज। काफी लोगों को आपके वेबसाइट के बारे में काफी डाउट्स होंगे। अगर आप अपने वेबसाइट में एक FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक पेज बनाते हैं, उसमें कैसे कैसे लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं वो आप अगर डाल देते हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस और आंसर्स डाल देते हैं, आपका वेबसाइट किस बारे में है उसे डालते हैं, आपका बिजनेस किस तरीके से काम कर रहे हैं वो अगर आप डालते हैं, तो काफी हद तक कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके बिजनेस के बारे में। और इतना ही नहीं, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है Quora.com, तो काफी लोग वहां पर जाके भी क्वेरीज डालते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं कि उन वेबसाइट्स पर जाकर वो क्वेरीज सॉल्व करें। इससे होता ये है कि आपके बिजनेस का और आपके वेबसाइट का इनडायरेक्टली मार्केटिंग भी हो जाता है, जो इन द लॉन्ग रन आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। स्टेप 5 है रजिस्टरिंग इन द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। ये स्टेप कोई मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में रजिस्टर करवाते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करने के लिए आपकी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, या फिर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं था कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, जब से ऑफकोर्स आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। काफी लोग जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप में रजिस्टर करते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट रजिस्टर करने का 6,000 रुपए है एंड मैक्सिमम 30,000 रुपीज। ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन योर कंपनी। अगर मैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करने के बेनिफिट्स के बारे में बोलूं, तो सबसे पहले यू गेट अ टैक्स हॉलीडे फॉर 3 ईयर्स, माने 3 साल तक कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं। फिर आप गवर्नमेंट ई टेंडर्स में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पोर्टल आपके लिए खुल जाता है, यहाँ पर आप बिडिंग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तो आपके जैसे और भी कई एंटरप्रेन्योर्स को मिल सकते हैं। आपका एक प्रेजेंस बन जाता है जिससे इन्वेस्टर्स और बैंक्स आपको जानने लगते हैं और आपको फंड्स भी इजीली मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, कल को अगर आपको बिजनेस बंद भी करना है तो इजी एग्जिट का भी ऑप्शन है। स्टेप 6, गेटिंग अ गुड वर्क स्पेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं और प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं। उस चीज के लिए प्रोफेशनल एनवायरमेंट होना काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू में जब आपके पास फंड्स नहीं है, तब आप अपना ऑफिस जो है आपके लिविंग रूम में शुरू कर सकते हैं। लेकिन वंस आपका बिजनेस ग्रो कर जाए तो गेटिंग अ गुड वर्क स्पेस इज रिकमेंडेड। देखिये, शुरू में तो आपके पास फंड्स नहीं है, तो आपने अपना बिजनेस लिविंग रूम में शुरू कर दिया। लेकिन वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग, आपका टीम बढ़ जाएगा। आपकी टीम के लिए एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट होना काफी जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। ऐसे बिजनेस स्पेसेस फाइंड करने के लिए आपको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट देने की जरूरत नहीं है। आजकल काफी बिल्डिंग्स या फिर काफी कोवर्किंग स्पेसेस मार्केट में है। कोवर्किंग स्पेसेस वो होते हैं जो एक बिल्डिंग होता है या फिर एक ऑफिस स्पेस होता है जो काफी लोग यूज करते हैं। माने आप रेंटल बेसिस पे आप अपना एक डेस्क ले सकते हैं जहां पर आप फोन होगा, एक चेयर मिलेगी, आपको एक अलग से वर्क स्पेस मिलेगा। ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात। अगर आप कोई ग्रुप है, आपको एक अलग से चेंबर भी दे दिया जाता है। ऑफ कोर्स उसके प्राइसेस हाई होते हैं, पर आपको एक प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट 24 आवर्स मिल सकता है। आखिरी और काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके एथिक्स और मोरालिटी को सर्वोपरि रखना। आपके आचार विचार आपके बिजनेसेस को काफी इम्पैक्ट करते हैं। काफी स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के पीछे है, प्रॉफिट्स कमाने के पीछे है, और आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू नहीं देते, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आपका बिजनेस डाउन द ड्रेन चला जाएगा। एक बात याद रखिए कि कस्टमर जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप उसको कितना वैल्यू देते हैं, और उसके साथ साथ वो इतना स्मार्ट भी होता है ये समझने के लिए कि आप उसको लूट रहे हैं या नहीं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो पे फुल स्टॉप लगाता हूँ। एंड आई विश ऑल द एंटरप्रेनर्स आउट देयर ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई डिटेल में वीडियो चाहिए होगा किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू। थैंक यू।